जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्पोली चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट आखिर क्या होती है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्विच स्टेटमेंट को आप यूज़ करके कैसे एक सिंपल सा प्रोग्राम आप बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं परफॉर्म करूँगा एक अर्थमेटिक कैलकुलेशन को, यानी कि मैं एक छोटा सा बेसिक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, बिना किसी समय बर्बादी के आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए, अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए स्विच स्टेटमेंट की मदद से आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कुछ इनपुट्स। तो इनपुट्स में आपके पास पहले तो कुछ नंबर्स होने चाहिए, इंटीजर नंबर्स या फिर जो भी आप नंबर यूज़ करना चाहते हैं। तो आपको सपोज करो इंटीजर नंबर चाहिए, तो आपको इंट, आप जितने नंबर चाहते हैं, ए बी सी जितने नंबर चाहते हैं आप उतने ले सकते हैं। मैं फिलहाल ए बी ही लेता हूँ, दो ही इनपुट मेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद मुझे बताना है स्विच में कि अगर हमारे पास प्लस एज ए इनपुट है तो हमारा परफॉर्म होना चाहिए ए प्लस बी, अगर हमारे पास माइनस एज ए इनपुट है तो हमारा परफॉर्म होना चाहिए ए माइनस बी। इसी तरीके से हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर एज ए इनपुट लेना है और ए और बी भी हमें एज ए इनपुट लेना है, उसके बाद परफॉर्म कराना है उसके हिसाब से। तो यानी कि हमें एक कैरेक्टर और चाहिए, और कैरेक्टर में हम कोई भी मान सकते हैं, सी एच मान सकते हैं, ठीक है। इस करेक्टर में हम पास करेंगे इनपुट में कि प्लस या माइनस या डिवाइड या फिर मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे एक अर्थमेटिक ऑपरेटर इसमें हम पास करेंगे, ऊपर ए बी में हम पास करेंगे या तो वैल्यू 5, 6 कुछ भी वैल्यू हम पास कर सकते हैं। उसके बाद इस सी एच वेरिएबल को हम स्विच के एक्सप्रेशन में पास कर देंगे, यानी कि हम लिखेंगे स्विच और उसके एक्सप्रेशन में हम सी एच वेरिएबल को पास कर देंगे, यानी कि इस सी एच की जगह स्विच के एक्सप्रेशन में आएगा आपका या तो प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन, और ऐसे ही डिवाइड वगैरह भी आ सकता है। उसके बाद स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर जो हमारे केसेस होंगे उनके अंदर हम नंबर पास नहीं करेंगे, उनके अंदर हम कैरेक्टर पास करेंगे, और कैरेक्टर में आपका एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा, जैसे कि प्लस, क्योंकि प्लस आप एक कैरेक्टर है तो आप इसे सिंगल कोट्स में लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि ये केस है तो इस पर आप कॉलन यूज़ करेंगे, और प्रिंट एफ में आप लिखेंगे परसेंटेज डी, और क्योंकि प्लस है तो आप लिखेंगे ए प्लस बी। इस तरीके से आप बाकी सब केसेस को परफॉर्म करेंगे। तो अभी इस स्विच प्रोग्राम को मैं अपने टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर में टाइप करूंगा। तो अभी हम फिलहाल टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर ओपन कर लिया है। यहाँ मैंने छोटा सा एक फाइल में लिखा हुआ है सोर्स कोड में, हैस इंक्लूड stdio.h, हैस इंक्लूड conio.h void main। दो हेडर फाइल मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, stdio.h फॉर इनपुट एंड आउटपुट, और आपका conio.h एक स्क्रीन को क्लियर करने के लिए फंक्शन यूज़ करेंगे, और एक स्क्रीन को होल्ड करने के लिए getch फंक्शन यूज़ करेंगे। किस चीज़ का हमारा ये प्रोग्राम है? तो प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन ऑन इंटीजर नंबर्स यूजिंग स्विच। उसके बाद हमें सबसे पहले क्या चाहिए था? एक कैरेक्टर चाहिए था, कैरेक्टर सी एच, क्योंकि हमें एक ऑपरेटर चाहिए जो हमारे एक कैरेक्टर बना जाएगा, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू है वो। तो कैरेक्टर हमने ले लिया सी एच। उसके बाद हमारे दो इंटीजर वैल्यू चाहिए, दो या दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं आप, तो इंटीजर ए कॉमा बी ले लिया। उसके बाद क्योंकि हमें इसका इनपुट चाहिए तो हम एक बार प्रिंट एफ में बता सकते हैं यूज़र को कि हमें क्या चाहिए, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमें इनपुट के लिए स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करना, तो स्कैन एफ क्योंकि पहला हमारा नंबर होगा तो परसेंटेज डी क्योंकि इंटीजर है। उसके बाद दूसरा हमारा ऑपरेटर होगा, कैरेक्टर होगा, तो परसेंटेज सी। उसके बाद जो अगला इनपुट होगा वो अनदर नंबर होगा, यानी कि नंबर होगा परसेंटेज डी इंटीजर। अब किसका नंबर होगा? पहली वैल्यू जाएगी हमारी ए में तो एम परसेंट ए, दूसरी वैल्यू जाएगी हमारी कैरेक्टर तो एम परसेंट सी एच, तीसरी वैल्यू जाएगी हमारी बी में तो एम परसेंट बी, ठीक है। तो स्कैनअप हमारा यहाँ से काम हो गया, इनपुट हमारे सारे आ गए। उसके बाद स्विच कीवर्ड का यूज़ करके हमने उसमें एक्सप्रेशन पास की सी एस, यानी कि हमने यहाँ पर ऑपरेटर पास किया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक केस लिया, केस हमें नंबर देने की जरूरत नहीं है 1, 2, 3, क्योंकि हम ऑपरेटर पर काम कर रहे हैं तो हम ऑपरेटर लेंगे, और ऑपरेटर हमारा एक एज ए कैरेक्टर है, और कैरेक्टर में हम सिंगल कोट्स से लिखते हैं वैल्यू, तो सिंगल कोट्स प्लस ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद क्योंकि केस है तो कॉलन आप लगाइएगा। उसके बाद आप इस केस के अंदर लिख सकते हैं प्रिंट एफ रिजल्ट इक्वल टू इंटीजर चाहिए तो परसेंटेज डी डबल कोट्स क्लोज, उससे पहले हम स्लैश एन लगा लेते हैं, डबल क्लोज डबल कोट्स क्लोज सिंगल कोट्स क्लोज, और हमें परफॉर्म करना है ए प्लस बी को, ए प्लस बी, ठीक। उसके बाद हम दूसरा केस ले सकते हैं केस, और इसमें हम सिंगल कोट्स पे लिख सकते हैं माइनस ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि ये भी एक केस है तो कॉलन लगाएंगे,
नीचे लिखेंगे प्रिंट एफ में रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन, और परफॉर्म कराएंगे हम क्या ए माइनस बी को। अब क्योंकि हमें पहला केस यानी केस प्लस हमें उसका फ्लो ब्रेक भी करना है, तो हम इसमें यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं ताकि अगर ये एग्जीक्यूट भी हो तो उसका फ्लो उधर ही रुक जाए, अगले केस में ना जाए। तो इसलिए हम सभी केसेस के स्टेटमेंट के बाद या लास्ट स्टेटमेंट हर केस की हम ब्रेक कर देते हैं ताकि उसका फ्लो एग्जीक्यूट होने के बाद नीचे ना जाए। इसके बाद हम एक और केस लेते हैं, केस इसमें हम देते हैं मल्टीप्लिकेशन सिंगल कोट्स में, कॉलन लगाते हैं केस की वजह से, फिर प्रिंट एफ लिखते हैं। प्रिंट एफ में हम लिख सकते हैं रिजल्ट इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन डबल कोर्स क्लोज सिंगल कोर्स क्लोज ए मल्टीप्लिकेशन बी, और इसको भी हम ब्रेक से लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक और केस दे सकते हैं इसमें, केस दोस्तों आपको पता ही है ये जो स्लैश है इसलिए यूज होता है, डिवाइड के लिए होता है। तो प्रिंट एफ में आप लिख सकते हैं रिजल्ट इक्वल परसेंटेज डी स्लैश एन डबल कोर्स क्लोज सिंगल कोर्स क्लोज ए डिवाइड बाई बी, ठीक है। इसको आप ब्रेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको इनमें से कोई भी केस नहीं मैच होता है तो इसके लिए आप एक इसमें स्टेटमेंट लिख सकते हैं डिफॉल्ट की, डिफॉल्ट केस, और उस डिफॉल्ट के अंदर आप लिख सकते हैं प्रिंट एफ एंटर वैलिड ऑपरेटर्स, क्योंकि डिफॉल्ट का जो हमारा स्टेटमेंट है वो लास्ट स्टेटमेंट है, तो जरूरी नहीं है यहाँ पर आपको ब्रेक लगाना, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका एंड ऑफ स्विच स्टेटमेंट या कर्ली ब्रैकेट जो है एंड ऑफ स्विच का हो गया। और मेन से पहले, क्योंकि हमें स्क्रीन होल्ड करानी है, ठीक है, तो मेन से पहले आप यहाँ लिख सकते हैं गेट सी एच, स्क्रीन होल्ड कराने के लिए फंक्शन यूज़ कीजिए, उसके बाद मेन फंक्शन को यहाँ पर क्लोज करा दीजिए, ठीक है। तो हमारा एक बेसिक सा प्रोग्राम यहाँ बन चुका है, और यहाँ पर हमने एक काम नहीं किया है, कैरेक्टर और इनपुट इंटीजर के बाद डिक्लेयर करने के बाद हम यहाँ पर सी एल आर एस सी आर फंक्शन का यूज़ करते हैं ताकि हर बार जितनी बार भी एग्जीक्यूट करें तो स्क्रीन हमारी क्लियर आए। कंट्रोल एफ नाइन से कंपाइल के साथ हमने एग्जीक्यूट किया, कोई भी हमारा एरर नहीं है, और ये हमारा डिस्प्ले हो गया एंटर नंबर ऑपरेटर अनदर नंबर। तो पहला नंबर हमने दिया 4, ऑपरेटर दिया हमने प्लस, और दूसरा नंबर हमने दिया 6, एंटर किया तो रिजल्ट हमारा 10 आया, ठीक है। कंट्रोल एफ ने फिर से किया, हमने पहला नंबर दिया हमने 8, ऑपरेटर दिया हमने माइनस, दूसरा नंबर दिया हमने 3, रिजल्ट आया हमारे पास 5। एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल एफ 9, नंबर दिया हमने 5, मॉडुलस ऑपरेटर हमने यूज़ किया, क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर का हमने कोई भी केस नहीं लिखा था, आप चाहे तो लिख सकते थे पर नहीं लिखा था, तो हमें इसमें एरर आना चाहिए। मॉडुलस ऑपरेटर कुछ भी नंबर दीजिए, 2 दे दीजिए, क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर अपने यूज़ नहीं है तो डिफॉल्ट केस यहाँ पर एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो डिफॉल्ट केस आया एंटर वैलिड ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोग्राम बन चुका है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों इस प्रोग्राम से रिगार्डिंग या फिर सी प्रोग्रामिंग से रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर वहाँ मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो वहाँ मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।